सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश में हर साल सड़क हादसों में हजारों लोगों की जान चली जाती है, वहीं इस मामले को लेकर सीएम योगी एक्शन में नजर आ रहे हैं। जहां आज सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी बैठक करेंगे, जहां वो बैठक शाम 6:30 बजे होगी। बता दें कि बैठक में सर्किल तहसील स्तर के अधिकारी और नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी समेत कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। शाम 6:30 बजे बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ सड़क दुर्घटनाओं पर संज्ञान लेंगे। आपको बता दें कि लगातार सड़क दुर्घटनाओं की खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में हर साल हजारों हादसे होते हैं और हजारों हादसों को कम करने के लिए ही सीएम योगी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज सीएम योगी सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक करेंगे। 6:30 बजे बैठक होगी, जहां इस बैठक में सर्कल तहसील स्तर के अधिकारी और नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी समेत कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर सीएम योगी ने अब सख्त होने का फैसला किया है। आपको बता दें कि जिन वजहों से सड़क हादसे होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उन पर नियंत्रण करने के लिए सीएम योगी आज बैठक करेंगे। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिससे इन सड़क हादसों को कम किया जा सके। हर साल हजारों लोगों की मौत होती है सड़क दुर्घटना में, कई लोग घायल भी होते हैं। कई तरह की सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, वो चाहे ट्रक ड्राइवरों की लापरवाही से हो या फिर जो है तेज रफ्तार की वजह से गाड़ियों के अनियंत्रित होने से। इन सभी चीज़ों पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कुछ मानक तय किए जा सकते हैं, जिसको लागू करते हुए इन सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। सर्किल तहसील स्तर के अधिकारी आज इस बैठक में शामिल होंगे। 6:30 बजे सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे, जहां प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया गया और कई ऐसी मुहिम और कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। तो वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6:30 बजे बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा अभियान भी चलाया जा रहा है प्रदेश में, बावजूद इसके हादसे होते नजर आते हैं। रोज हादसों का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है, कई घटनाएं सामने आती हैं। वहीं मुख्यमंत्री आज प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा अभियान पर संवाद करेंगे। ये अभियान शुरू किया जाएगा। Team 9 के साथ बैठक में उन्होंने कहा था कि बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देने की जरूरत है, क्योंकि छोटे बच्चे जब गाड़ियां चलाते हैं तो उसमें भी कई मानक होते हैं। 18 साल से कम के बच्चे भी गाड़ियां चलाते हुए कई बार नजर आते हैं, इसकी वजह से चालान किया जाता है। उनके माता पिता पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए थे। वहीं छोटे बच्चों को सबसे पहले जागरूक करने की जरूरत बताई थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश में हर वर्ष सड़क हादसों में हजारों लोगों की जान चली जाती है, ऐसे में इन हादसों को रोकने के लिए अब प्रदेश सरकार ने जनता को जागरूक करने के लिए ठान लिया है। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अभियान में लोगों को समझा बुझाकर सड़क हादसों पर लगाम लगाना सरकार का लक्ष्य है। यूपी सरकार जल्द ही दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सड़क सुरक्षा का विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इसकी कार्य योजना परिवहन और पुलिस सहित विभिन्न संबंधित विभागों ने मिलकर तैयार की है। चरणवार प्रस्तावित इस अभियान की रूपरेखा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को प्रदेश भर के नगरीय निकायों के साथ वर्चुअल चर्चा करेंगे। ये चर्चा शाम 6:30 बजे होगी। वर्चुअल बैठक में योगी बताएंगे कि कैसे सड़क सुरक्षा अभियान से जनता को जागरूक कर दुर्घटनाओं को कम से कम किया जाए। बैठक में नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के अलावा दर्जन भर विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रशासन, सर्किल स्तर तक के पुलिस अधिकारी, नगर आयुक्त, नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारी भी जुड़ेंगे। मंगलवार को Team 9 की बैठक में भी सीएम ने दोहराया कि सड़क सुरक्षा के विभिन्न घटकों जैसे रोड इंजीनियरिंग, प्रवर्तन कार्य, ट्रॉमा केयर और जन जागरूकता की दिशा में विशेष प्रयास की जरूरत है।
इस अभियान से शिक्षा विभाग को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यातायात नियमों के पालन का संस्कार बच्चों को शुरुआत से ही दिया जाना चाहिए। इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सीएम योगी आज बैठक करेंगे, तो वहीं स्कूली बच्चों को भी जागरूक करने का मन बनाया है सीएम ने, क्योंकि उनका मानना है कि जब बच्चों में स्कूली समय से ही जो सड़क नियम है उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, संस्कार दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की जाएगी। किस तरह से देखते हैं जी? इसका आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दुर्घटना में बहुत लोगों की जान चली जाती है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको रोकथाम को लेकर एक अभियान चलाने का काम करने जा रहा है। आपको बताया कि 6:30 बजे बेसिक एवं संबंधित अधिकारियों एवं आपको बताया कि नगर निकाय एवं नगर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के जो आला अधिकारी है उनके साथ संवाद करेंगे। वही आपको बताया टीम 9 की बैठक के बाद इसका निष्कर्ष निकाला गया है कि जो अगर बात करें तो जो बच्चे हैं बेसिक या माध्यमिक स्कूल में इन बच्चों को जो यातायात से जुड़े नियमों के बारे में बताया जाएगा और दुर्घटना ना हो इसके लेकर हर एक खाका तैयार किया जा रहा है। वही आपको बताया कि अगर देखें तो आतंकवाद से कहीं ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट है और आतंकवाद से ज्यादा जो लोगों की मृत्यु होती है वो एक्सीडेंट से होती है। तो कहा जाता है जिसमें की एक्सीडेंट ही है, टेररिज्म इज मोर डेंजरस देन द एक्सीडेंट। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो जो सड़क दुर्घटना उसमें रोकथाम के लिए हर एक बेसक प्रयास कर रहा है। वही आपको बताया कि आज मुख्यमंत्री 6:30 बजे बैठक में रूपरेखा तैयार करेंगे जिसमें वो खाका तैयार किया जाएगा कि कैसे जो सड़कों पे दुर्घटना हो गए हैं उसमें रोकथाम लाया जाए, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए भी वो अलग अलग माध्यमों का सहारा लेंगे और जिससे रोकथाम लिया जा सके। वही आपको शिखा बताया कि अगर देखें तो मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम काम किए जा रहे हैं, उसमें से ये काम एक बेहतर सफल का एक काम होगा क्योंकि अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों को अगर देखें चाहे यातायात से दुर्घटनाग्रस्त लोगों को देखें तो उसकी संख्या कहीं ज्यादा है। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में यातायात की भी सुविधा बहुत ही लचर है जिसको लेकर सुधारने का काम किया जा रहा है, अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अभियान को सफल बनाने में जो अधिकारियों को जिम्मा दिया गया पूरे अपने अभियान को अपने सही स्तर पर पहुंचाएंगे। वही आपको बताया कि नगर आयुक्त अधिशासी अभियंता समेत तमाम जो अधिकारी अधिशासी अधिकारी ऐसे तमाम अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। वही टीम 9 की जो लोग हैं वो भी इस बैठक में मौजूद होंगे। 6:30 बजे बैठक होगी जी। विभांशु, देखा क्या है कि जब भी सख्ती होती है तो कहीं ना कहीं नियमों का पालन जरूर होता है, तो जिस तरह से सड़क हादसे होते हैं जब नियमों का उल्लंघन किया जाता है तभी ऐसा होता है, तो क्या ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाकर उनके माध्यम से निगरानी करके भी चालान करके भी इन सब चीजों में सुधार किया जा सकता है या फिर जागरूकता ही एकमात्र एक ऐसा हथियार है जिससे लोग सुधरेंगे, क्या लगता है? लगभग जो प्रमुख चौराहे हैं वहाँ कैमरे लगाए गए हैं मगर उसे सुचारू ढंग से कब चलाए जाए और यातायात नियमों को तोड़ने वालों को कड़ी सजा दी जाए, साथ ही साथ ऐसे भी लोगों को चिन्हित किया जाए जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। क्योंकि अगर आमतौर पर देखें तो स्पीड लिमिट बांध दी जाती है उन सड़कों पर, आम जनमानस है स्पीड लिमिट को बांधता नहीं है, तो स्पीड जो गाड़ियां जो रिहायशी इलाके उसमें जो एक गति उनके में भी कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर बात करें ग्रामीण इलाकों की तो ग्रामीण इलाके अभी कहीं ना कहीं सीसीटीवी की जो बात कमी है अब उसमें कहीं ना कहीं पीछे है। अब सरकार को इसको ध्यान में देते हुए जो उनके प्रमुख चौराहे हैं उस पर भी सीसीटीवी कैमरा और हेडलाइट लगाने की आवश्यकता है। और आपको बताया कि जब शिखा जैसे चंडीगढ़ में होता है कि हर एक सड़कों पर पुलिस नहीं खड़ी होती है, कैमरे की निगरानी से सभी निगरानियों को रखा जाता है, चालान वहां से काटा जाता है, ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी करना चाहिए और उत्तर प्रदेश के खासकर ग्रामीण इलाकों में भी इसकी जरूरत है। क्योंकि अगर देखें ग्रामीण इलाकों में तो ना ट्रैफिक लाइट है ना सीसीटीवी कैमरे लैस चौराहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो सीसीटीवी जो कैमरे लगाए जाते हैं चौराहों पे उनकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे एक्सीडेंट में जो गाड़ियां अत्यधिक समय चलती है उनपे कार्रवाई हो सके और एक्सीडेंट की जो आशंका है उसपे कम हो सके। तो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका विकास करने का काम है, करने की जरूरत है। वही आपको बताया कि
सड़कों पे आज अभियान चलाकर ऐसे भी कई सारे एनजीओ और तमाम ऐसे विभागों को भी निर्देश दिए जाएंगे कि आप अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करें, सड़क के सुरक्षा नियम के बारे में बताएं कि आखिर कैसे आप सड़क पर सुरक्षित चले, जिसको लेकर तमाम विभाग को भी निर्देश जारी किए जाएंगे कि आप लोगों को जागरूक करें और सड़क सुरक्षा जो है उसको कायम बनाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार सरकार जागरूक करने की कोशिश कर रही है और कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, और आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इसका संज्ञान लेंगे, 6:30 बजे बैठक करेंगे सरकिला तहसील स्तर के अधिकारियों के साथ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे। वहीं सदर थाना क्षेत्र के करोड़ा ग्रांट गांव के इस्लाम नगर टोल जाएंगे, जहां पुलिस दबिश के दौरान शनिवार रात एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई थी। वहीं पीड़ित परिवार से मिलकर उनसे मिलेंगे और साथ ही उनका दुख दर्द भी बांटेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से जिले का सियासी पारा गर्म हो जाएगा। बता दें कि कांग्रेस का भी प्रतिनिधिमंडल सोमवार को गांव का दौरा कर पीड़ित परिवार से मिल चुका है। कोंड्रा ग्रांट में पीड़ित परिवार से अखिलेश यादव मिलेंगे, और आपको बता दें कि ऐसी जगह जहां पे कोई व्यक्ति प्रशासन द्वारा पीड़ित तो होता है वहां जरूर मिलने जाते हैं विपक्षी दल, और इसी कड़ी में अब अखिलेश यादव भी मिलने जा रहे हैं। तो सियासी पारा गर्म होने की बात तो कही जा रही है, क्योंकि कांग्रेस भी मिल चुकी है, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी मिल चुका है, अब अखिलेश यादव भी जाएंगे, पीड़ित से मिलेंगे, उनका दुख दर्द बांटेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।